अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर MT2 ET2 और CT2 के लिए मैथ्स कोर 233212 लेक्चर बाय सर शहजाद, एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 8, इंटेग्रेट 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सोल्यूशन 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर अलग अलग कर दें, 1 क्या इंटेग्रल अलग कर दें, 0 टू पाई बाई 4 1 डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट पेज पे चलें, यहाँ पर 1 का इंटेग्रल x होता है x बार 0 टू पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स 0 टू पाई बाई 4। नीचे आ जाएं, आप लिमिट सप्लाई कर दें, x की जगह पाई बाई 4 फिर माइनस x की जगह 0 प्लस टेन x की जगह पाई बाई 4 और माइनस टेन x की जगह 0 टेन 0, फिर पाई बाई 4 में से 0 निकाला पाई बाई 4, अब टेन 45 माइनस टेन 0। इधर देखें पाई बाई 4 रेडियन में है, अगर पाई बाई 4 को 1/80 ओवर पाई से डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह टेन 0 को लिख सकते हैं साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 ओवर 1 इक्वल्स टू 0। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पाई बाई 4 प्लस टेन, पाई बाई 4 की जगह टेन 45 माइनस टेन 0। अब यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस टेन 45 1 और टेन 0 0। यहाँ पर आ जाएं, ये टेबल आप याद कर लें कि साइन 30 साइन 45 का साइन 60 cos 30 cos 45 cos 60 tan 30 tan 45 tan 60 sin 30 1 over 2 sin 45 1 over 2 under root sin 63 under root over 2 3 under root over 2 1 over 2 under root 1 over 2 tan 30 1 over 3 under root tan 45 1 or tan 63 under root। ये वाला जो टेबल है ये आप याद कर लें, फिर tan 45 1 है, tan 0 0 है, 40 पाई बाई 4 प्लस 1, नीचे पाई बाई 4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी, तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1 है, इंटेग्रेट 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर डी एक्स, 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दें, 0 टू पाई बाई 4 1 एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर टेन को डिफ्रेंशिएट करें तो सीकेंड स्केयर आता है, तो सीकेंड स्केयर का इंटेग्रल जो है वो टेन आ जाएगा। सेकेंड पेज पे चले जाएं, वन का इंटेग्रल एक्स आता है और सीकेंड स्केयर का इंटेग्रल टेन आता है, तो एक्स 0 टू पाई बाई 4 टेन एक्स 0 टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस 0 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 माइनस 0 टेन पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन 0 पाई बाई 4 प्लस 1 माइनस 0 पाई बाई 4 प्लस 1 एलसीएम लिया। अब ये साइड पे कुछ वैल्यूज़ है, पाई बाई 4 को पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई से कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, या टेन 0 साइन 0 ओवर कॉस 0 0 ओवर 1। फिर एक ये टेबल है साइन 30 साइन 45 साइन 60 1 बाई 2 1 ओवर 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट ओवर 2
थ्री अंडर रूट ओवर टू, वन ओवर टू अंडर रूट वन ओवर टू, वन ओवर थ्री अंडर रूट वन, और ये तो ये आपका आंसर आ गया। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ ना आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा समझा दूँगा।